याद रखना है। अच्छा, उसके बाद हमारे पास ये देखें, एक तो ये है ना, इसके इर्द गिर्द दो डॉट नजर आ रहे हैं, अगर उनके ऊपर क्लिक करें ये ब्लू हो जाते हैं, ठीक है। आप इनका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं। सेकंड नंबर पे ये है, ये डबल टी जिसके ऊपर लिखा साइज लिखा हुआ है, इसके ऊपर क्लिक करके आप इधर खुद मतलब साइज मैनेज कर सकते हैं। अक्सर मेंबर्स होते हैं वो चाह रहे होते हैं कि मैं टेस्ट का जो साइज है वो 100 रखूँ, ठीक है। तो सिंपल आप इधर से ना अपना साइज मैनेज कर सकते हैं, उसके पॉइंट लेफ्ट राइट पे यानी ये प्लस और माइनस के आइकन के और क्लिक करके साइज कम ज्यादा भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाती है साइज के बाद पेंडिंग। पेंडिंग का उधर स्पेस होती है, अपने टेस्ट के लेफ्ट राइट पे ना अपने स्पेस देना चाह रहे हैं। अब मैं इसके लेफ्ट पे स्पेस दे रहा हूँ, पेंडिंग इसको स्पेस दे रहा हूँ, अब इसको मैं राइट पे स्पेस दे रहा हूँ, ठीक है। जब आप मतलब काम कर रहे होते हैं ना तो डेस्क को इस्तेमाल करते हैं, तो कभी कभी आपको जरूरत पड़ती है कि आप उसके लेफ्ट राइट टॉप बॉटम पे स्पेस दें, तो आप सिंपली पेंडिंग के ऊपर क्लिक करके स्पेस दे सकते हैं, ठीक है। उसके बाद बात आ जाती है भाई कलर, ठीक है। ये कलर वाला ऑप्शन है, अक्सर जो मेंबर्स वो पूछते हैं सर अपने टेक्स्ट को किस तरह हम कलर दे सकते हैं, अपने टेक्स्ट को किस तरह मैनेज कर सकते हैं, उसको किस तरह खूबसूरत बना सकते हैं। तो सिंपली मैं एक न्यू लेयर क्रिएट करता हूँ, ठीक है। न्यू लेयर क्रिएट करने के बाद जो है ना हम इसको एडिट कर लेते हैं, एडिट हमने कर लिया। अब ये सिंपल कलर हमारे पास व्हाइट कलर का है, ठीक है। तो ये है कलर वाला और ये सेकंड साथ टेक्सचर वाला है। यहाँ पे तो ये है कि आप कलर दे सकते हैं सिंपली किसी भी चीज का, टेक्सचर के अंदर ये किसी इमेज का अगर आप कलर देना चाहते हैं, तो चले पहले हम टेक्सचर को यूज कर लेते हैं। ये टेक्सचर के ऊपर क्लिक करें, ये गैलरी के ऑप्शन के ऊपर क्लिक करें, तो जैसे ही आप करेंगे ना तो आप सिंपली अपनी गैलरी के अंदर आ जाएंगे, ठीक है। अब मैं चाह रहा हूँ ये ब्लू कलर में टेक्सचर दे दूँ अपने उसको कलर को, सॉरी टेक्स को, इसके ऊपर क्लिक कर दूंगा, जो देखें तो ये टेक्सचर आ चुका है। अब इसे नीचे से इनेबल करें, आप इनेबल करने के बाद इसे जो है ना वो सिलेक्शन आप कर सकती हैं, स्केल के जरिए से इसे कलर को मैनेज कर सकती हैं। तो सिंपली आप किसी भी टेक्स को इमेज का कलर देना चाहते हैं तो ये टेक्सचर का ऑप्शन यूज कर सकते हैं। सेकेंड नंबर पे ये है, अगर आप सिंपल कलर देना चाहते हैं तो वो कैसे दे सकते हैं, कलर के ऊपर क्लिक करें तो यहाँ पे दो फॉर्मेट हैं, सिंपल कलर और ग्रेडियंट कलर, ठीक है। सिंपल कलर के अंदर एक ये चीज हमें विजिबल होती है, सिंपल कलर अगर आप यूज करते हैं ना तो नीचे आप सिलेक्शन कर सकते हैं, भाई तीन लफज हैं इनको मैंने ये रेड देना है और लास्ट वाले तीन है इनको मैंने ब्लू मतलब के कलर देना है, तो ये भी आप कर सकते हैं। यानी एक टेक्स्ट के अंदर आप 4 से 5 8 कलर डिफरेंट डिफरेंट यूज कर सकते हैं एक एक वर्ड के अंदर, ठीक है। तो ये भी आप सिंपल कर सकते हैं। और ग्रेडियंट के अंदर सिंपल ये है कि आप एक से ज्यादा जितने भी कलर हैं उनको यूज कर सकते हैं। अब इनकी सिलेक्शन किस तरह होगी वो मैं आपको बता देता हूँ। सिंपल कलर है, सिंपल कलर के अंदर हम आए हैं तो यहाँ भी प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं हम। जैसे हम प्लस वाले आइकन के ऊपर क्लिक करते हैं तो ये इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने होगा, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देखें तो ये जो बड़ा सा गोल सा दायरा है इसके अंदर ये एक है ना ऑप्शन है, आप इसको पकड़ के लेफ्ट राइट पे ना घुमा के तो कलर के सिलेक्शन कर सकते हैं, भैया आपने किस तरह कौन सा कलर सेलेक्ट करना है, ठीक है। ये आप कर सकते हैं, यहाँ से भी मैनेजमेंट कर सकते हैं, कलर हल्का रखना, उसको थोड़ा सा जो है ना वो डार्क करना, या उसके अंदर थोड़ी थोड़ी ये चिमकीला टाइप का आना, ये भी इधर से आप मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज आपको क्लियर होगी है कि यहाँ से आप ओनली सिलेक्शन कर सकते हैं। उसके बाद ये दो ऑप्शन आपको ऊपर शो हो रहे होते हैं, ठीक है। तो ये दो ऑप्शन आपको शो हो रहे हैं, इसके लिए मैं एक इमेज जो है ना वो आपके लिए क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको इजीली समझ आ जाए। ये मैं एक इमेज ले आया हूँ अपने गैलरी से, ठीक है। अब मैं ये जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है इसके ऊपर ब्लू कलर का जो है ना वो कलर है। अब मैं सिंपल कलर के अंदर जाता हूँ, ये प्लस वाले आइकन के ऊपर जाके तो यहाँ पे जो दो ऑप्शन है को यूज करते हैं हम, ये पिकर के ऊपर क्लिक करते हैं। पिकर के ऊपर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पे ये जो इमेज मैं लेके हूँ इसका कलर पिक करना चाह रहा हूँ। आप बैकग्राउंड का भी कर सकते हैं, किसी भी इमेज का कलर पिक कर सकते हैं। अब मैं इस इमेज का जो कलर है वो पिक करके जो है ना अपने जो है टेक्स्ट को देने लगा हूँ। तो सिंपल आपने क्या करना है, जिस तरह मैंने आपको बताया पिकर के अंदर आना है, आने के बाद सिलेक्शन कर लिया किस चीज का आपने कलर देना, ये जो धारा है इसको उसके ऊपर रखना है और इसको यस कर देना है और यहाँ से ओके कर देना, तो ये देखिए आपका कलर पिक हो गया। दोबारा फिर आप देख लें, प्लस के आइकन के ऊपर आए, ये जो ऑप्शन है ना ये पिक कर इसके ऊपर क्लिक करें, सिलेक्शन करें,
सिलेक्शन करने के बाद इधर से यस करें, डन करें, डन करने के बाद ओके करें, तो ये कलर पिक हो के आ गया। अब इसके दो कलर थे, दोनों मैंने आपको वन बाय वन पिक करके दिखा दिए हैं। अच्छा, उसके बाद ये एक और ऑप्शन हमारे पास मौजूद है, ये पिंसल वाला, इसके ऊपर आप क्लिक करें। क्लिक करने के बाद सिंपल ये कोड है, आप इसको डायल करें, अपनी मर्जी का कोड पेस्ट करें यहाँ पे। पेस्ट करने के बाद यहाँ से इसको यस करें, ओके करें, यहाँ से ओके करें, तो ये देखें आपने अपनी मर्जी का कलर कोड दे के इसका कलर जो है ना वो चेंज कर लिया। अभी मैं आपको बताता हूँ कि आप मतलब कि किस तरह किसी भी चीज़ का कलर कॉपी कोड कॉपी कर सकते हैं। आपको वेबसाइट का लिंक भी प्रोवाइड करेंगे और भी मैं करके भी दिखाता हूँ आपको, ठीक है। तो ये आपको सिंपल समझ आ गया कि कलर पिक किस तरह कर सकते हैं, कलर कोड किस तरह डाल सकते हैं। इसी तरह ग्रेडिएंट कलर में हम आते हैं, तो यहाँ पे प्लस वाले आइकन के ऊपर हम आते हैं, तो इस तरह का इंटरफेस हमारे सामने शो होगा, ठीक है। यहाँ से आप पकड़ के भी किसी चीज़ को मैनेजमेंट कर सकते हैं। ये देखिए, आप एक साइड पे कलर डार्क है, एक साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ से आप पकड़ के भी कर सकते हैं, सिंपल ये ऊपर फॉर्मेट बनी हुई है, इनके जरिए से भी आप कलर को मैनेजमेंट कर सकते हैं। नीचे ये दो लेयर हमारे पास मौजूद हैं, मजीद लेयर बनाने के लिए प्लस के आइकन के ऊपर क्लिक करेंगे, इसके ऊपर हम इसको सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। सिलेक्शन के लिए ये जो है ना नीचे ऑप्शन लेफ्ट राइट पे करने वाले, ये जो है ना लेयर की सिलेक्शन करते हैं। अब ये जो हमने न्यू लेयर क्रिएट की थी दरमियान वाली, हम इसी को सिलेक्ट कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अब ये सिलेक्ट है ना, इसको करने के लिए हम ये करेंगे, ये सिलेक्ट हो गया, इसके कलर में जाएंगे हम। कलर में जाने के बाद फिर वही इंटरफेस हमारे सामने शो हो गया। अगर पिक करना चाहते हैं तो पिक कर सकते हैं यहाँ से, कलर कोड लेके आना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, सिंपल आप यहाँ से भी मैनेज कर सकते हैं चीज़ें। ओके करें तो ये देखें दरमियान में लेयर का कलर चेंज हो चुका है, ठीक है। तो अब कोई भी लेयर जो क्रिएट करते हैं उसको यहाँ से इस तरह कलर दे सकते हैं। अच्छा, किसी लेयर को आपने काम करना है, उसकी सिलेक्शन करनी है, सबसे पहले आप सिलेक्शन इन दो से करेंगे या उसके ऊपर क्लिक करके भी आप सिलेक्शन कर सकते हैं। ये राइट साइड पे जो इसको सिलेक्ट करना चाहते हो, इसके ऊपर मैंने क्लिक किया तो ये देखें सिलेक्शन हो गया। अब मैं इसको ख़त्म करना चाह रहा हूँ, तो ये माइनस का आइकन हमारे पास मौजूद है, तो ये सिलेक्शन ख़त्म हो गई है, ठीक है। लेयर बना भी सकते हैं प्लस वाले आइकन से, माइनस कर सकते हैं ये, यानी ख़त्म कर सकते हैं माइनस वाले से, और ये सिलेक्शन खुद ब खुद ही कर देता है आपके टेक्स्ट की, कि आपकी लेयर्स लेफ्ट राइट हो, वाटर किस तरह।